नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीजी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं ऋतु वर्मा। तो देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। काशी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास और निर्माण की एक बड़ी परियोजना। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जन आरोग्य के लिए 5 लाख से ज्यादा की आबादी से ज्यादा की जनसंख्या वाले जिलों में वेलनेस सेंटर की स्थापना करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वास्थ्य सेवा में पहले ही सरकारों के समय मध्यम और गरीब परिवारों की चिंता नहीं थी। योजना के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज संबंधी सुविधाओं और सेवाओं को विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए देश के 12 अस्पतालों को प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही जोर देते हुए कहा कि इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब हैं, इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब्स चाहिए, ऐसी 15 नई लैब्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आधुनिक स्तर के तैयार होती स्वास्थ्य संरचनाओं का लाभ गरीबों वंचितों तक सीधे पहुंचेगा ही, साथ ही साथ तैयार होते इकोसिस्टम की बदौलत रोजगार के नए मौके तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत का तैयार होता नया ढांचा आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो है ही, साथ ही हेल्थ और वेलनेस तक देश के सभी व्यक्ति की पहुंच होगी। उत्तर प्रदेश के लिए 9 मेडिकल कॉलेज जो तैयार हुए हैं, 2,329 करोड़ रुपए की लागत से इन मेडिकल कॉलेजों के एक साथ उद्घाटन लोकार्पण के ऐतिहासिक पल के गवाह बने खुद प्रधानमंत्री। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, फतेहपुर, एटा, हरदोई में बने मेडिकल कॉलेज की बदौलत 2,500 बेड बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पूर्ववर्ती सरकारों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचागत विकास की अनदेखी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए पैसा कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था, हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं, जबकि 30 नए कॉलेजों पर तेजी से काम हो रहा है। वहीं गोरखपुर और रायबरेली में एम्स बन रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी से पहले वाली सरकार अपने कार्यकाल में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज ही बनवा पाई थी। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि पहले सरकार में जो थे वो वोट के लिए कहीं डिस्पेंसरी तो कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। प्रधानमंत्री ने कहा देश का लक्ष्य बेहतर इलाज के लिए राष्ट्रव्यापी नीति के साथ आगे बढ़ने का है। वजह यही है कि बीते 7 साल के दौरान मेडिकल क्षेत्र में 60,000 नई सीटें जुड़ी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए बीते 4 साल में 1900 सीटें जुड़ी हैं। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने पुरातन से भी पुरानी आध्यात्म, धर्म और ज्ञान की नगरी के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा की कुल 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें गंगा और वर्णा के कायाकल्प से जुड़ी योजनाएं शामिल रहीं। तो वाराणसी में बन रहे आधुनिक सड़कों के जाल और पार्किंग की परियोजना भी है। वही सांस्कृतिक विकास और विरासत की समृद्धि की परियोजना भी थी, तो साथ ही थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए बने छात्रावास, अध्यापकों के लिए आवास ब्लॉक भी शामिल रहे। साथ ही कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधाओं को विस्तार संबंधी योजना का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि काशी में बीते 7 साल के दौरान इतने विकास कार्य हुए हैं जितने कि कभी भी नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यही है कि अब समग्र विकास पर जोर दिया जा रहा है। वाराणसी और इसके आसपास किसानों की सहूलियत को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने पैकेजिंग और प्रोसेसिंग सुविधा का लोकार्पण किया। इसी के साथ एक बायो सीएनजी और ऑर्गेनिक खाद तैयार करने वाले एक संयंत्र की भी शुरुआत की।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के बुनकरों शिल्पकारों की चर्चा करते हुए लोगों का आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को अपनाने की पहल करें। वाराणसी में स्वास्थ्य शिक्षा सहित आधुनिक इंफ्रा के साथ विरासत को संजोए जाने के विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया और कहा कि डेडिकेटेड इंफ्रा के बिना विकास की गति अधूरी होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए जवानों के साथ रहने का मौका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन बहादुर जवानों की वजह से रात को देश चैन की नींद सोता है। अमित शाह ने कहा कि सारे लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब देश सुरक्षित रहे और सिर्फ जवानों की वजह से ही संभव है। उन्होंने कहा कि बिना रक्तपात के कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन श्रीनगर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसभा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी और कहा कि आप लोगों से खुलकर बात करना चाहता हूं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भाजपा के समर्थन में नारेबाजी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के विकास में खलल डालने वाले लोग कामयाब नहीं होंगे। शाह ने कहा कि आप सब अपने दिल में से खौफ और डर निकाल दीजिए, कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा में अब कोई खलल नहीं डाल सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच में देश और विदेश के 1.31 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए हैं, जो देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। श्रीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष की भ्रष्टाचार वाली राजनीतिक सोच पर भी वार किया और कहा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 हटने के बाद घाटी के लोगों की जमीन छीन ली जाएगी। असल में ये लोग अपनी सत्ता को बचाकर रखना चाहते हैं, 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान से बात करने की सलाह देने पर फारूक अब्दुल्ला को भी निशाने पर लिया और कहा कि फारूक साहब ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी, मैं घाटी के युवाओं से बात करना चाहता हूं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के डल झील में शिकारा महोत्सव देखा। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के अंतिम दिन गांधरबल के खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर गृहमंत्री के साथ राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डिफेंस एक्सपो 2022 पर राजदूतों की एक गोल मेज सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का निर्यात प्रदर्शन गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा का एक मजबूत संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमताओं के विकास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश के रक्षा निर्यात में 334% की बढ़ोतरी हुई है और 75 से अधिक देशों को निर्यात किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश ने 2021-22 के वार्षिक बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 18.75% की वृद्धि की है। रक्षा मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो में देश के रक्षा क्षेत्र की नवीनतम तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य प्रदर्शनी देखने वालों, विदेशी और भारतीय मूल के उपकरण निर्माताओं को अधिक से अधिक आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने सैन्य बलों, उच्च गुणवत्ता उत्पादन और किफायती हथियार प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एस मुरुगन भी समारोह में मौजूद रहे। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त और बस ड्राइवर राज बहादुर को धन्यवाद कहा, जिनकी वजह से वो फिल्मों में आए थे। दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलने पर फिल्म स्टार रजनीकांत ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने इस सम्मान को अपने गुरु श्री के बालाचंद्र को समर्पित किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए मिला, जबकि कंगना रनौत ने
मणिकर्णिका और पंगा में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला मलयालम फिल्म आलम मरकरा लायन ऑफ द अरेबियन सी, जबकि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी का पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर स्टारर छिछोरे को मिला। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस मौके पर कहा कि भारतीय फिल्म जगत ने हर भाषा में पहचान बनाई है, जो देश की विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। भाषा अनेक फिर भी अपना देश है एक। उपराष्ट्रपति ने कहा कि फिल्म जगत में सभी भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में भारतीय सिनेमा जगत के लोगों के लिए एकल खिड़की समाधान की व्यवस्था की जा रही है, जिससे देश और विदेश से फिल्म निर्माताओं को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, हमारा कहानी कहने का अंदाज लगातार नए आयाम छू रहा है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि पुरस्कार के लिए चयनित फिल्में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक पेश करती हैं। वहीं फिल्म समारोह निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक चैतन्य प्रसाद ने कहा कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सिने जगत की युवा शक्ति और अनुभव एक ही मंच पर एक साथ नजर आए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी श्रृंखला में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में आवेदक को 8 में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 2 लघु फिल्मों, ऑडियो फीचर गैर फीचर में अपने कौशल का प्रदर्शन करना किया है। इस्पात मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में मूल्य संवर्धित इस्पात पर उत्पादन युक्त प्रोत्साहन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि देश के संस्थागत विकास में इस्पात इंडस्ट्री का योगदान अतुलनीय रहा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने ग्रीन डे अहेड मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के बाद अब हम चाहते हैं कि पुनर्निर्माण का काम तेजी से हो, इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया जाएगा। आपदा से हुए नुकसान का हम आकलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर में कहा कि हम 1,00,000 पदों पर भर्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए हम हर गाँव के आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग देकर इंजीनियर बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने विभिन्न विभागों का दौरा किया और सफाई समेत कार्यशैली का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीका वायरस के मद्देनजर उच्च स्तरीय बहुविशेषज्ञों का एक दल कानपुर भेजा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 57 वर्षीय एक पुरुष 22 अक्टूबर को जीका वायरस से संक्रमित पाया गया था। देश में अब तक 1,02,86,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक देश में 58,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,07,22,00,000 से अधिक कोविड टीके निशुल्क उपलब्ध करा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी भी राज्यों के पास 12,75,00,000 टीके उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 18,762 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.18% हो गई है। अब तक 3,35,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड के 14,306 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। दैनिक संक्रमण दर 1.43% है। अब तक देश भर में 60,07,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय मंगलवार को बहुचर्चित ड्रग मामले में आर्यन खान की अपील पर सुनवाई करेगा। आर्यन को पिछले दिनों विशेष NDPS कोर्ट द्वारा जमानत देने से इंकार कर दिया गया था।
इधर सोमवार को विशेष न्यायालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं उसके जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की उस याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने इस मामले से जुड़े एक गवाह के बयान को संज्ञान में नहीं लेने सहित अन्य कई तरह की मांगे न्यायालय से की थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऑडिट देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक व्यय के फैसले इन्हीं रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिहाज से ऑडिट सुशासन की आधारशिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साथ ही कहा कि ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है और इसलिए रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऑडिट में सुधार के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की सलाह से कई कदम उठाए हैं। सेंसेक्स 145 अंक की बढ़त के साथ 60,967 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक मजबूत होकर 18,125 अंक पर बंद हुआ। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे टूटकर 75.08 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदे के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 76 रुपए की तेजी के साथ 6,359 रुपए प्रति बैरल हो गई। स्थानीय वायदा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 228 रुपए बढ़कर 48,025 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। सोमवार को चांदी की कीमत 435 रुपए की तेजी के साथ 66,091 रुपए प्रति किलो हो गई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना से इस साल अगस्त में 13.22 लाख नए सदस्य जुड़े। इससे पिछले महीने जुलाई में इस योजना से 13.33 लाख सदस्य जुड़े थे। सज्जन जिंदल की जेएसडब्ल्यू स्टील कश्मीर में 1,20,000 मीट्रिक टन सालाना क्षमता वाला कलर कोटेड स्टील प्लांट लगाने जा रही है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सफायर फूड्स इंडिया और आनंद राठी वेल्थ सहित 7 कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निगम के जरिए पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है। सूडान में सेना ने आंतरिक सरकार का तख्ता पलट दिया और सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली है। सेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और दूसरे अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ समेत दुनिया भर के कई देशों ने सूडान की ताजा स्थिति पर चिंता जताई है। अमेरिका के विशेष दूत जेफरी फेल्टमैन ने कहा है कि सूडान में आंतरिक सरकार के सैन्य अधिग्रहण की रिपोर्टों से अमेरिका बहुत चिंतित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा पर फंसे सैकड़ों लोग जल्दबाजी में सीमा पार करने की ओर दौड़ पड़े जब इसे 3 घंटे के लिए खोला गया। कनाडा के विक्टोरिया के पास ब्रिटिश कोलंबिया से खनन रसायनों को ले जा रहे एक मालवाहक जहाज के कंटेनरों में आग लग गई है। कनाडा के तटरक्षक बल के अधिकारियों के अनुसार 10 क्षतिग्रस्त कंटेनरों में आग लगी थी और उनमें से अधिकांश नियंत्रण में है। युगांडा की राजधानी कंपाला के बाहरी इलाके के एक लोकप्रिय भोजनालय में एक घातक बम विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। दुनिया भर में कोविड-19 मामले 24 करोड़ 45 लाख के पार हो गए हैं जबकि उपचार के बाद 22 करोड़ 15 लाख से ऊपर लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 के कारण दुनिया भर में 49,66,000 से अधिक लोगों की जान गई है जिसमें अमेरिका में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां मामलों की संख्या 4,63,00,000 के पार हो गई है जबकि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 7,56,000 से ज्यादा है। रूस में कोरोना लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,072 मौतें हुई हैं। अधिकारियों ने देश भर में कार्यस्थलों को बंद करने और मॉस्को में भी लॉकडाउन की तैयारी कर ली है। वही इस दौरान रूस में 37,930 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं जबकि कुल मामलों की संख्या 82,79,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन में पिछले एक सप्ताह में जुलाई के बाद से कोविड के सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा लॉकडाउन की संभावना से इंकार के बाद ये मामले सामने आए हैं।
ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने कोरोना मामलों पर रोक लगाने के लिए जल्द ही कोविड 19 बूस्टर शॉट्स लगाने की योजना बनाई है। इंडोनेशिया धीरे धीरे देश के उन हिस्सों को फिर से खोलेगा जहां कोविड 19 टीकाकरण की दर 70% से ऊपर है। बीसीसीआई ने आईपीएल की दो नई टीमों का ऐलान कर दिया है। 2022 में अहमदाबाद और लखनऊ की दो नई टीमें आईपीएल में दम दिखाएंगी। संजीव गोयनका के मालिकाना हक वाली आरपीएसजी ग्रुप ने सर्वाधिक 7,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर लखनऊ फ्रेंचाइजी खरीदी है। वहीं सीबीसी कैपिटल्स ग्रुप ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी 5,166 करोड़ में खरीदी है। 8 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में बेन स्टॉक्स की वापसी हुई है। इंग्लैंड की मेडिकल टीम द्वारा स्टॉक्स को पूरी तरह से फिट घोषित किए जाने के बाद ऑलराउंडर को टीम में जगह मिली है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लाहिरु कुमारा और बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास को T20 विश्व कप मैच के दौरान झगड़ना पड़ा महंगा। आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मैच फीस का 25% और 15% जुर्माना लगाया गया। 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले से पहले विराट कोहली ने कहा, एक हफ्ते का आराम टीम के लिए रहेगा फायदेमंद, दोबारा से एकजुट होने का मिलेगा अच्छा मौका। एशियाई चैंपियन संजीत और एक अन्य भारतीय मुक्केबाज सचिन कुमार को AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पहले दौर में बाय मिला है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केटलबेल स्पोर्ट विश्व चैंपियनशिप 2021 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की अंशु तारावध और पायल कनोदिया ने रजत पदक अपने नाम किया। जीएससी विश्व स्नूकर क्वालिफायर्स में पंकज आडवाणी का दिखा दबदबा, टूर्नामेंट में टॉप पोजीशन की हासिल। रूस के असलान करात्सेव ने 2021 में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अपने करियर का दूसरा ATP खिताब जीता। इटली के जेनिक सिनर ने यूरोपियन यूनियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को 5-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। लिवरपूल की इस जीत में मोहम्मद सलाह का योगदान अहम रहा, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। इस सीजन का पहला अल क्लासिको यानी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच मुकाबला रियल मैड्रिड के नाम रहा। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने US ग्रैंड प्री का खिताब अपने नाम कर लिया है। सलमान खान और उनके बहनों या आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का ट्रेलर हुआ जारी। बंटी और बबली का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में रानी मुखर्जी, सैफ अली खान, शर्वरी बाग और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आएंगे। जॉन अब्राहम की मोस्ट अवेटेड फिल्म सत्यमेव जयते 2 का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। बन्ना सिंह का पहला पोस्टर रिलीज हुआ जो कि उत्तर भारत में रह रहे एक व्यक्ति और उनके परिवार की कहानी है जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन ने आज से अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता राजकुमार राव आगामी पारिवारिक फिल्म हम दो हमारे दो में परेश रावल और रत्ना पाठक शाह जैसे अनुभवी सितारों के साथ काम करने के लिए खुद को भाग्यशाली समझते हैं। और एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।